इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके पूछने लगा, या अली, मेरा एक दोस्त मेरी इज्जत क्या करता था, मोहब्बत क्या करता था, एहतराम क्या करता था, लेकिन वो आज हद से ज़्यादा मुझसे नफरत करता है। वो कौन सा अमल है जिससे मोहब्बत नफरत बन जाती है? बस ये कहना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो भी इंसान ये दो अमल अंजाम देता है तो उससे मोहब्बत करने वाला नफरत करने लगता है। तो वो पूछने लगा, या अली, कौन सा अमल? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला अमल परेशानी में मजाक और दूसरा अमल खुशी में ताना देना। याद रखना, जब तुम्हारा दोस्त परेशान हो, उसकी परेशानी को महसूस करके उसकी मदद करने की फिक्र में लग जाओ। उसके सामने उस परेशानी का मजाक ना उड़ो, वगरना वो समझेगा मेरी परेशानी का मेरे दोस्त पे कोई असर नहीं होता। यही एहसास उसकी मोहब्बत को नफरत में तब्दील करने लगेगा। और जब तुम्हारा दोस्त खुश हो तो उसकी खुशी को देखकर उससे ताना ना देना, वगरना वो समझेगा कि मेरी खुशी में मेरा ये दोस्त खुश नहीं होता। ये एहसास उसकी मोहब्बत को नफरत में तब्दील करने लगेगा। इतने में वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, या अली, मैं ये दोनों अफ़ाल अंजाम देता था, तभी मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, आज से अपने आप से वादा कर लो, इन दो गलतियों को कभी नहीं दोहराओगे। अल्लाह के करम से तुम्हारे दोस्त हमेशा तुमसे प्यार और तुम्हारी इज्जत करते रहेंगे। तुमसे प्यार और तुम्हारी इज्जत करते रहेंगे।